महाराष्ट्र में जिस तरह का गठबंधन है उसमें कायदे से कांग्रेस का दबाव चलना चाहिए और शिवसेना को उसके आगे झुककर रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ 56 सीटें लेकर मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के आगे झुकने की बजाय कांग्रेस को ही आंखें दिखा रही है। शिवसेना के साथ गठबंधन करने के समर्थक कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इससे हिंदुओं के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ेगी और मुस्लिम पार्टी होने की छवि टूटेगी। हालांकि नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार की बहस शुरू करके भाजपा ने फिर से कांग्रेस को ऐसी पोजीशन में ला दिया जहां वह संवैधानिक स्टैंड भी ले रही है। बहरहाल कांग्रेस की मुश्किल यह है कि अगर शिवसेना के साथ उसका तालमेल खत्म होता है तो हिंदुओं के बीच प्रचार होगा कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी उद्धव भाई भाई का नारा दिया। उद्धव ने यह भी कहा कि मंत्रालय पर भगवा लहराता रहेगा। नागरिकता मसले पर राज्यसभा में शिवसेना ने वॉकआउट करके सरकार की मदद की और इसकी शिकायत के लिए विपक्ष के साथ जाने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर भी शिवसेना ने कांग्रेस को निशाना बनाया और दो टूक अंदाज में कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे जाहिर हो गया कि शिवसेना को कांग्रेस की परवाह नहीं है। उसको पता है कि कांग्रेस साथ में रहेगी क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार गिरी तो भाजपा किसी न किसी तरह से सत्ता में आएगी, चाहे वह शिवसेना के साथ आए या एनसीपी के साथ। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।